नमस्कार। देश के सबसे प्रमुख हिंदी अखबार हिंदुस्तान की वेबसाइट livehindustan.com में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के राजनीतिक संपादक निर्मल पाठक जी। हम लोग आज जितने एग्जिट पोल्स आए हैं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, उन पर बात करने के लिए हम लोग आज बात करेंगे। कुछ सवालों पर लाइव हिंदुस्तान की ओर से हमने जवाब लोगों से मांगे कि लोग किस तरह वोट देते हैं, किन मुद्दों पर वोट देते हैं, किन सवालों के आधार पर उन्होंने वोट दिया इन चुनाव में। हम लोग आज बात करेंगे कुछ उन खबरों के बारे में जो एग्जिट पोल आने के बाद से शुरू हो गई, जिनमें शामिल है कि अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मायावती के साथ जा सकते हैं, जिसमें आजम खान ने कहा है कि अगर ये चुनाव हम हारते हैं तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की हार होगी। तो इस तरह के तमाम सारी चीजों में, तो निर्मल जी आपको क्या लग रहा है इस एग्जिट पोल की तस्वीर जो अभी तक दिखाई पड़ी है, इसके आधार पे आपको 11 तारीख किस तरह नजर आ रहा है? देखिए, ज्यादातर एग्जिट पोल्स हैं वो उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये एक बार फिर से, मतलब ये हम लोग अपने दर्शकों को भी ये क्लियर करना जरूरी है, और वो टीवी के चैनल्स भी कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल हैं, ये अंतिम परिणाम नहीं है। और एग्जिट पोल ऐसे पहले पूर्व में इस तरह के उदाहरण रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं, इसलिए पूरी तरह से इन पर भरोसा करके न चलें। लेकिन ये अनुमान हैं जो विभिन्न सर्वे एजेंसीज करती हैं अपने अपने चैनल्स के लिए, और हो सकता है ये सही भी हों, हो सकता है गलत भी हों। अभी तक जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं जितने भी चैनल्स ने दिखाए, उसमें एक दो शायद रह गए हैं, उनके अभी उत्तर प्रदेश के परिणाम दिखाना बाकी हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोल्स उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर कर आ रही है। उसमें प्रताप जी, जो अभी आपने कहा कि अगर हंग असेंबली होती है, और अखिलेश यादव को आपने कोट किया, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन के बजाय वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देना पसंद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन उनका एक तो उन्होंने ये लगभग इस एग्जिट पोल के सर्वे को वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, और अगर उस हंग असेंबली होती है, क्योंकि मेजोरिटी की तरफ अभी किसी को इशारा नहीं है एग्जिट पोल्स का, अगर हंग असेंबली होती है तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो राष्ट्रपति शासन प्रेफर करेंगे क्योंकि गवर्नर राज्यपाल वहाँ उनके अपने हैं। तो उसको अखिलेश यादव जी के बयान को इस कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, उन्होंने मायावती जी को, क्योंकि दोनों पार्टियां सेकुलर वोट्स के लिए लड़ रही हैं, मतलब मुस्लिम वोट्स दोनों का आधार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो उसको आगे की राजनीति के लिए भी अखिलेश ने ये बहुत मानना चाहिए कि एक राजनीतिक चतुराई वाला दांव उनका है, जिसमें उन्होंने मतलब पहले मारे सो मीर वाला जो वो होता है, उन्होंने अपना मंशा उन्होंने स्पष्ट कर दी कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। अब ये मायावती जी के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर इसी तरह के, जिस तरह का एग्जिट पोल आ रहे हैं उसी तरह के अगर परिणाम आते हैं, तो ये मायावती जी के लिए मुश्किल होगा कि वो अखिलेश के या कांग्रेस की तरफ से, इस गठबंधन की तरफ से जाने वाले ऑफर को आउटराइटली रिजेक्ट करें। आप क्या सोचते हैं? नहीं, जाहिर तौर पे, और ये एक राजनीतिक दांव है, और एक तरह से इसको यूं भी देखा जा रहा है कि 2019 की भी तैयारी है। जिस तरह बिहार में एक लालू यादव नीतीश कुमार, जिस तरह से दो विपरीत ध्रुवों के लिए कहा जाता था कि पूरी राजनीति एक दूसरे के खिलाफ चलती थी, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सहायक तौर पर शामिल होते थे, लेकिन पिछले चुनाव में जैसे बिहार से सूरत बदली तो एक चर्चा उस वक्त शुरू हो गई थी कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ये संभव है। तो मुझे लग रहा है आज अखिलेश यादव ने इस चुनाव के लिए भी, जो परिणाम आने जा रहे हैं 2019 के लिए भी, क्योंकि लोकसभा में बहुत बुरे हाल हैं, 73 सीटें भाजपा के पास हैं, तो उन लग रहा है कि अगर अब हंग आ रहा है इतनी सारी चीज़ों के बावजूद, राज्य में जब अखिलेश यादव की ओर से इतने सारे विकास की बातें की गई और माना गया कि आज भी, अभी भी आज के तारीख में जो हमारे सामने नतीजे ये प्रोजेक्शंस हैं,
ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल बहुत करीब करीब का टक्कर है। और हम जैसे कह रहे हैं कि जैसे शुरू में हमने साफ किया कि ये कोई परिणाम नहीं है, हम परिणाम मान के चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अतीत में कई बार ऐसे आए हैं कि पूरे के पूरे उलट गए हैं, तो ये संभव है कि 1% 2% जो अन्य के वोट बताए जा रहे हैं वो अन्य के वोट किसी की पार्टी के खाते में गए और अचानक देखने में आए कि उस पार्टी के पास बहुमत आ गया। दिल्ली इसका उदाहरण है, बिहार इसका उदाहरण है, यहाँ तक कि पंजाब में भी पिछली बार कहा जा रहा था कि बादल की सरकार वापस नहीं आएगी अकाली गठबंधन, तो वहाँ वो भी वापस आए थे। तो अब भी ये कहना, लेकिन जाहिर तौर पर जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब हम इन एग्जिट पोल के हवाले से बात कह रहे हैं, तो सारी संभावनाओं पर बात करेंगे। तो आज अखिलेश यादव ने उसी संभावना के तहत 11 तारीख को अगर यही सूरत बनती है तो उन्होंने एक दांव उसके लिए खेला है, एक दांव 2019 के हवाले से भी खेला है बीजेपी को मैसेज देने के लिए, या जो एंटी बीजेपी वोट हैं उनके पोलराइजेशन के लिए कि अब पोलराइजेशन सिर्फ सपा कांग्रेस का नहीं है बल्कि इसमें बसपा भी शामिल हो सकती है। प्रताप जी, मैं एक आपको इसमें, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें लगभग सारे एग्जिट पोल्स बीजेपी को वहां बढ़त दिखा रहे हैं, मतलब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की ओर जा रही है। आपको ये सच्चाई के कितना करीब लगता है? आपने इस पूरे दौरान पूरे उसमें उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को काफी क्लोजली फॉलो किया है, आपको क्या लगता है कि ये परिणाम सही हो सकते हैं या कितने हद तक आपको लगता है? देखिए, ये मुझे अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये परिणाम कहाँ तक कितने सही जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसी एग्जिट पोल्स को देखें तो इनमें ही तमाम सारे वेरिएशंस हैं। एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो बीजेपी को फुल मेजोरिटी दिखा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है जिस तरह से लोगों से बातचीत के आधार पर और खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले होने के नाम पर हम लोगों ने देखा समझा है कि जो चरण बढ़े हैं, तो ये माना जा रहा है अभी कि उन बढ़ते हुए चरणों में बीजेपी के पास फायदा आया है। तो वो जो बढ़ते हुए चरण ने गति दी है बीजेपी को, उसके आधार पे ये सारे नतीजे, आज एग्जिट पोल भी इसी तरह के कुछ इंडिकेशंस दे रहे थे। हालांकि कुछ एग्जिट पोल ने पहले चरण में भी बीजेपी को बढ़त दिखाया, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो आखिर के 3 चरण थे वहां बीजेपी को एक बढ़त दिखाई है। तो ये माना जाने के लायक एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस बात को मान रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, लेकिन नेक टू नेक फाइट, चाहे एग्जिट पोल हो चाहे बातचीत हो, अभी पूरे मन से, खुले मन से कोई इस बात को न तो बोल पा रहा है न स्वीकार पा रहा है। कि जैसे आप ये देखें कि पंजाब में कहा जा रहा है कि हाँ अकाली और गए, उत्तराखंड में कहा बीजेपी गई, उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि हाँ कांग्रेस लगभग लगभग गई, जैसे दूसरे राज्यों के लिए बात हो रही है। लेकिन पर उत्तराखंड के नतीजे, मतलब जिस तरह का एक अनुमान लगाया जा रहा था पिछले कुछ समय से कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का जैसे वहां टूट हुई पार्टी में, इसके करप्शन के आरोप भी लगे, उससे पहले जब वो राहत घोटाला कांग्रेस की सरकार के उस समय विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे उसका आरोप, एक एंटी इनकम्बेंसी वहाँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी। तो जो एग्जिट पोल बता रहा है वो लगभग उसी दिशा में उनका आकलन लग रहा है, ये कुछ सच्चाई के ज्यादा करीब लगता है। हाँ, लग रहा है। उत्तराखंड को देखिए, छोटा सा राज्य है, आप वहाँ के रहने वाले भी हैं, मैं भी उस उत्तराखंड से मेरा एक जुड़ाव रहा है। तो जिस तरह हम समझते हैं सीटें गिन के याद आ जाती, जब अभी बात हो रही थी कि कितनी सीटें आएंगी, तो हम गिनते हैं तो हम यमुनोत्री से लेकर के देहरादून तक, फिर हल्द्वानी से लेकर के और पिथौरागढ़ की आखिरी सीट तक हम जोड़ घटा लेते हैं कि हाँ यहाँ लगभग लगभग इस रीजन में इस तरह के परिणाम आ रहे होंगे। पर उत्तराखंड में इस बार रिबेल कैंडिडेट, जो विद्रोही उम्मीदवार थे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, वो काफी संख्या में लड़े हैं। ऐसे में ये था तो वहाँ दो बड़ी पार्टियों के बीच में लड़ाई, लेकिन जो छोटे छोटे दूसरे और रिबेल कैंडिडेट जो मजबूत भी थे, अब जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो सब निर्दलीय होकर लड़ रहे थे, तो उन लोगों ने भी काफी डैमेज किया होगा। अब ये किसको किया है या किसको नहीं किया, पर जब छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है तो उसमें ये अंदाज लगाना क्या इतना सटीक होगा, अभी कहना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ही वहां आ रही है? हाँ, नहीं, देखिए पहली चीज तो ये एग्जिट पोल के नतीजे के आधार में हम कोई फैसला दे नहीं सकते। बीजेपी को एक बढ़त इस लिहाज से देते हैं कि वहां पे देखिए पिछला भी चुनाव था 2012 में भी जो परिणाम थे वो परिणाम कहीं से 2012 में बहुत, आपको पता है कि गिनती की सीटों से सरकार बनी बिगड़ी थी वहां पे।
उसके बाद क्या हुआ, इस चुनाव में अगर देखें तो जो इतने, एक तरफ ये भी कहा गया कि चूंकि कांग्रेस से ये तमाम सारे लोग निकल के चले गए तो कांग्रेस को एक तरह से रास्ता साफ हो गया, क्योंकि ये लोग बीजेपी में गए और टिकट लेके आए तो बीजेपी के रिबेल बढ़ गए। लेकिन इस बीच में बीजेपी ने छुपे छुपे कुछ और काम किए जो जिसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने वहां आप देखिए यूकेडी के कई सारे नेता जो छोटे छोटे थे, जो 2000 1000 1500 2600 5000 वोट तक पाने वाले थे, उसमें एक ऐसे भी थे जिनको अभी उन्होंने निकाला जो मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, दिवाकर भट्ट, बाद में निकाल भी दिया बीजेपी ने। तो लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने जोड़ के मिला लिया, जो ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता थे वहां के आंदोलनकारी लोग, जिनको ये लगा कि अब यहां पे कोई रास्ता नहीं है और अब ये जो क्षेत्रीय पार्टी का हिसाब किताब है वो खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कई तरह से हम देखें तो बीजेपी को एक बढ़त तो हम मानेंगे, ये परिणाम के आधार पर हम नहीं कह सकते कि अभी कितनी सीटें किसको आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से जो मुझे थोड़ा सा इसमें सरप्राइजिंग लग रहा है वो गोवा के जो रिजल्ट बता रहे हैं, गोवा में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं सर्वे, और हो सकता है बीजेपी वहां सरकार बना ले इनके एग्जिट पोल के हिसाब से। जिस तरह का वहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ पे थी और उनके मुख्यमंत्री की इमेज को लेके बीजेपी में बड़ा संकट था, बीजेपी ने वहाँ मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया उस तरह से, यहाँ से मनोहर पर्रिकर को वहाँ लेके गए और एक इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया कि मनोहर पर्रिकर अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं इन सब। और उसके अलावा संघ ने वहाँ बगावत करके अपना अलग एक पार्टी बना के उन्होंने इंडिपेंडेंटली उन्होंने भी लड़ा है चुनाव। तो इस सारी स्थिति में फिर भी उसके बावजूद बीजेपी वहां अगर बढ़त ले रही है तो ये क्या, जो आप पार्टी लड़ रही थी ये एंटी इनकंबेंसी उसका इफेक्ट दिख रहा है? आप टेबल ये देखिए कि जिस तरह दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी अपना पहला इलेक्शन लड़ रही थी तो ये माना जा रहा था यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी के जो वोट होंगे बहुत कुछ कांग्रेस के वोट होंगे, कांग्रेस के वोट काटेगी और बीजेपी को यहाँ एक फायदा मिलेगा, बीजेपी उससे जीतेगी। तो एक गणित तो ये बनता है उसमें कि अभी वहां पे जो इनके माइनॉरिटीज के, इन्होंने जिसको चीफ मिनिस्टर घोषित किया आम आदमी पार्टी ने, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, तो कि माइनॉरिटीज के जो वोट हैं उनमें एक बड़ा डिवीजन आएगा, कांग्रेस के जो टिपिकल वोट हैं उनको काटेंगे। हो सकता है अगर ये एग्जिट पोल जिस तरह से कह रहे हैं, जिस सैंपल साइज के आधार पर ये बात कर रहे हैं, अगर इनके आंकड़ों के हिसाब से दिखती है तो वहां ये बात सच हो सकती है कि जो आम आदमी पार्टी के, तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी जो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ एक मुखर स्वर लेके बात करती है, वहां उसके लिए वो परोक्ष से ही सही लेकिन एक मददगार पार्टी के तौर पर शामिल हो गई हो और उसकी सत्ता वापसी के रास्ते में कहीं ना कहीं उसे रास्ते बनाए। इसके अलावा एक चीज और मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि हम लोगों ने लाइव हिंदुस्तान की ओर से एक सर्वे किया और सर्वे में हम लोगों ने कुल 6 बिंदु रखे कि आखिर लोगों ने, लोग किस आधार पर वोट डालते हैं, जिसमें हमने सवाल रखा कि पार्टी का काम कितना मतलब रखता है, प्रत्याशी की छवि कितनी मतलब रखती है, पार्टी नेताओं पर भरोसा कितना है, पार्टी के घोषणा पत्र क्या मतलब, और लोग जो आपस में सलाह होता है कि भाई ने वोट डाला तो भाई ने देख के कहा कि यहां डाल देते हैं, तो घर परिवार के नाम पे उन लोगों ने वोट डाल दिया। तो ये जो 1% हमारे पास जो सैंपल साइज है, ये लगभग 4000 लोगों ने इस पे वोट डाला है और ये पाया है इसमें सबसे अधिक गया है कि पार्टी और उसका काम, ये 48.33% है। इसी तरह जो प्रत्याशी की छवि है वो 18% है और पार्टी के नेता पर जो भरोसा है वो 14% है, घोषणा पत्र सिर्फ 2% है। और ये सबसे अच्छी बात है लोकतंत्र में कि लोग अपने मन से, अपने विचार से, अपनी समझ से वोट डालते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत वो आ रहा है उसका पार्टी के हिसाब से लोगों ने वोट दिया, काम पार्टी की छवि और उसके काम के हिसाब से पार्टी। पर जो आप देखेंगे कि इस चुनाव में बहुत सारे बाहुबली और ये लोग जीत के आते हैं तो वहां पे उन लोगों का वो लोकल फैक्टर वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जनरल, ये खास करके मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं जो हमारे सर्वे में शामिल हो सकते हैं वो वही लोग हैं जो नेट समझते हैं, इंटरनेट समझते हैं और मोबाइल पे वोट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी बड़ी आबादी इस तरह की है जो इन चीज़ों को नहीं समझती। वो लोग सिर्फ अपने वहाँ के कैंडिडेट को देखते हैं, वो देखते हैं कि ये मुसीबत में उनके काम आ जाएगा, या बहुत सारे लोग डरा धमका के उनसे वोट लेते हैं कि उनको दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। तो इस तरह के लोकल फैक्टर भी चुनाव में बहुत ज्यादा लोकल फैक्टर रहते हैं और मुझे लगता है ये जो पार्टी
और उसका काम, उस काम में वो सारे काम भी शामिल हैं जिसको आप बता रहे हैं। तो हम अपनी बातचीत को यहाँ विराम देते हैं और आप सब हमारे साथ जुड़े रहे लाइव हिंदुस्तान.com पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।